हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाया और वहां चंद्रमा पर भी तिरंगा फहराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। मित्रों, अनेक प्रकार के ऐसे काम, आर्थिक प्रगति से लेकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने तक नरेंद्र मोदी सरकार ने की। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए थे इस कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने और मोदी जी 10 साल रहे, हमारे विरोधी भी मोदी जी पर एक भी आरोप नहीं लगा सके हैं। ऐसा पारदर्शी शासन मोदी जी ने देने का काम किया है। राजस्थान की जनता ने अभी अभी गहलोत सरकार गिराई, बदली है। मैं यहां कहने आया हूं, गहलोत सरकार के समय में यहां की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। मैं आज राजस्थान की माताओं बहनों को कहने आया हूं, भजनलाल की सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार डबल इंजन सरकार बनाई है, अब कोई भी राजस्थान की माताओं बहनों पर आंख उठाकर देख नहीं पाएगा। ये राजस्थान के अंदर दलितों का अपमान होता था, आदिवासियों का अपमान होता था और मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू, गरीब घर की आदिवासी बेटी, संथाल की आदिवासी बेटी, जिसका सबसे पिछड़ी आदिवासी जातियों में शुमार होता है, वो द्रौपदी मुर्मू जी को देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सम्मान किया। 250 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय बनाए, 20 जगह पे हमने आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाए और आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए एक डेवलपमेंट करने वाला अलायंस और एक घमंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये 7 परिवारों का परिवारी परिवारवादी पार्टियों का स्वार्थी मेलजोल है। एक और हमने राम का मंदिर बनाया, एक कांग्रेस वाले एफिडेट करते हैं कि राम का अस्तित्व भी नहीं है। मित्रों, कांग्रेस देश का विभाजन करने पर तुली है। उनके ही नेता उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो हिस्सों में देश को बांटना चाहिए ऐसी मांग करते हैं और मैं आज राजस्थान की जनता को वादा कर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल के नेतृत्व में आपने डबल इंजन सरकार बनाई है, अब यहां पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहां पर कौमी दंगे करे और मंदिरों को तोड़ने का कोई हिम्मत कर पाए। गहलोत सरकार के समय में राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां दंगे नहीं हुए थे। हमने आपको वादा किया है कि हम दंगों से मुक्त राजस्थान देंगे। मित्रों, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास होना तय है। मोदी जी ने भारत के युवाओं के सामने 2047 में, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब कैसा भारत हो इसका एक महान स्वप्न रखा है। 2047 में संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर भारत, हम भारत को बनाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। राजस्थान की जनता ने 2 बार मोदी जी को खूब वोट दिए, सभी की सभी सीटें दी, अब तीसरी बार भी ये कर एक इंजन की सरकार तो यहां बना दी आपने भजनलाल जी की,
और दूसरा इंजन भी फिर से रिपीट करना है मोदी जी वाला, जिससे देश का विकास हो। कार्यकर्ता भाई और बहनों, मोदी जी ने आपका आह्वान किया है, हम सबका आह्वान किया है, हम घर घर जाए, 25 करोड़ लाभार्थियों की फौज को जाकर मोदी जी के नाम से प्रणाम करे और विनम्रता के साथ जनादेश को मांगे कि आपका दिया हुआ वोट, आपका दिया हुआ आशीर्वाद भारत माता को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है, इसके लिए जाएं। आज से लेकर काउंटिंग तक मेवाड़ की वीर धरा के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करने आया हूं, आज से लेकर काउंटिंग तक हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अब की बार, जरा जोर से बोलो, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भाई और बहनों, फिर से एक बार सभी की सभी सीटें जीतने का रिकॉर्ड राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी बनाए, ऐसा संकल्प लेकर हम जाए और ये तीनों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराए, यही आप लोगों से प्रार्थना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।